दूध यानी कि मिल्क, ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको मालूम है ये एनिमल से बना हुआ चीज़ है, एनिमल से होते ही इसमें कोलेस्ट्रॉल होगी और इसमें फैट भी है, इसको ट्राइग्लिसराइड भी है इसके अंदर। तो दूध अगर आपको लेना है तो कम से कम लेना है, और दूध में से मलाई निकाल के लेना है। दूध के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे ख़राब वेराइटी को बोलते हैं भैंस की दूध, उसको फुल क्रीम मिल्क बोलते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत खतरा है। इसके बाद अगर इससे थोड़ा सारा कम खतरे वाला मिल्क है तो ये गाय की दूध है, इसमें 4% फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके नेक्स्ट होता है टोन्ड मिल्क, जो 3% होता है, डबल टोन 2% होता है, और मैं आपसे चाहता हूँ स्किम्ड मिल्क, वो है 0.5% मिल्क। इसका अगर आपके पास घर पे गाय की दूध है और उससे आप स्किम्ड बनाना चाहते हैं तो 6 बार उबालिए और 6 बार फ्रिज में रखिए और हर बार मलाई हटाइए, तब वो स्किम्ड मिल्क पहुँचेगा। और बाज़ार में जो स्किम्ड मिल्क मिलती है वो पानी से, वो उसे मशीन से दूध सारा निकाल लेते हैं उसका फैट, तो दूध वो स्किम्ड हो जाता है। तो स्किम्ड मिल्क लें तो हार्ट की बीमारी को और हार्ट अटैक को अगर बचाना है तो आप दूध को बंद कर भी सकते हैं, और थोड़ा बहुत दूध लेना हो तो चाय, दूध, दही सब मिला के आपको 200 ग्राम डबल टोन मिल्क या 500 ग्राम स्किम्ड मिल्क से ऊपर नहीं जाना है। 500 ग्राम बहुत होता है, 2 ग्लास दूध अगर स्किम्ड वाला लेंगे तो इतना दूध तो आपको अलाउड है। पर याद रखिए दूध के सारे प्रोडक्ट हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एनिमल फूड है।